अस्सलाम वालेकुम अब्बान, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज हम लोग जो बेसिकली सीखेंगे, काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि एक फेसबुक ऐड पोस्ट होती है, तो काफ़ी लोग उसको बूस्ट करके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो बेसिकली आज हम ये सीखेंगे कि बूस्ट एड्स क्या होते हैं, और जो हम लोग ने पूरे कोर्स में पढ़ा है business.facebook.com, उससे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, लोग समझते हैं कि बूस्ट करने से हम लोग को फेसबुक एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो आज हम बेसिकली 10 to 15 मिनट्स में ये सीख लेंगे इंशाल्लाह कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है वो बूस्ट ऐड से कैसे डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली दो स्क्रीन शेयर करूँगा, एक में हम बूस्ट पोस्ट देखेंगे और एक में हम बिजनेस मैनेजर के पार्ट ऑफ इसे देखेंगे। ठीक है। अच्छा, फेसबुक में लेट्स सपोज मैं कोई एक अपना पेज खोल लेता हूँ, तो इसमें हम ये ऑप्शन देखेंगे बूस्ट करके कोई चीज़ के, बूस्ट करने से हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। और अगर हम बिजनेस मैनेजर में जाते हैं तो हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मैंने पोस्ट लगाई हुई है, देखें बहुत पुरानी, 8 फरवरी की तौर से सीरीज आई हुई है, जेनेरिक एक मैंने नॉर्मल सा पेज बनाया हुआ है, तो उसमें मैं अपनी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ दो तीन। तो अब यहाँ पे मेरे पास बूस्ट का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं यहाँ से जाके जो उन्होंने बिजनेस मैनेजर पे चाहते हैं अकाउंट्स पे क्लिक करके, यहाँ पे हम कैंपेन्स में जाके यहाँ पे जो क्रिएट करते हैं जो हमारे पास बेसिकली ये चीज़ आती है। अच्छा, ये कह रहा है कि इसको स्टार्ट ओवर कर देते, चले। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, जैसे हम लोग पहले भी वीडियोस में बात कर चुके हैं कि तीन लेवल होते हैं फेसबुक एड्स के, जिसमें कैंपेन, एड सेट्स एंड एड अकाउंट, एड बेसिकली चलाने होते हैं, वो सब कुछ चीज़ होती है। अब बूस्ट में ये किस तरह से आती है इसको देख लेते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करते हैं बूस्ट करने के लिए, तो ये एक विंडो ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये सिर्फ आपको ऑप्शन ये दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और I guess 6। ठीक है। यहाँ पे जो है बिजनेस अकाउंट में ये आपको हर स्टेप में इतने स्टेप देगा, ये एक लेवल है जिसमें ये कितने ऑप्शन दे रहा है आपको सेलेक्ट करने के ऑब्जेक्टिव को। लेट्स सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड हेयर ही इज दे आर गिविंग यू ओनली टू ऑप्शन, गेट मोर पीपल टू रिएक्ट, कमेंट एंड शेयर, कनेक्ट एंड चैट विद पोटेंशियल। अब मुझे यहाँ पे कन्वर्जेंस लानी है तो मैं वो नहीं कर सकता, मुझे स्टोर ट्रैफिक लाना मैं वो नहीं कर सकता। हाँ, ब्रांड रीच वाला ऑप्शन वहाँ से फुलफिल हो जाएगा, ऐप स्टॉल नहीं कर सकता, लीड जनरेशन नहीं कर सकता, मैसेज वाला हो जाएगा, तो एक तो ये लिमिटेशन हो जाती है। ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पे बटन कॉल एफ एक्शन, समझ में आता है ऑडियंस में देखेंगे क्या क्या चीज़ें बता रहा है। इसको अगर हम एडिट का ऑप्शन देते हैं तो ये हमें क्या क्या चीज़ें पूछता है, जेंडर, एज, लोकेशन, डिटेल टारगेटिंग विच इज योर इंटरेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें डिफाइन कर देता है। चलो, वेरी गुड, ये तो इसने पूरा डिफाइन कर दिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आती है प्लेसमेंट्स, वो कह रहा है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नहीं करते तो क्या ऑप्शन देता है, ये तीन ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे देखें फेसबुक नेटवर्क नहीं दे रहा, वैसे आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको फेसबुक नेटवर्क भी दे रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे फेसबुक नेटवर्क नहीं दे रहा, प्लस फिर जो फेसबुक के अंदर भी जो ऑप्शन हम लोगों ने देखे हैं वहाँ पे जब आते हैं, जिसमें नॉर्मली आता है कि फेसबुक में अगर आपको दिखाना है तो कहाँ दिखाना है, आपको टाइम लाइन में दिखाना है, आपको स्टोरीज में दिखाना है, आपको राइट साइड पैनल पे दिखाना है, तो मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। सेम गोज विद इंस्टाग्राम के, इंस्टाग्राम में कहाँ दिखाना है, सर्च पे दिखाना है, स्टोरीज पे दिखाना है, दो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, तो हम पे भी आपको एक लिमिटेड ऑप्शन मिलता है। फिर आपका बजट आ जाता है और फिर आपका ये फेसबुक पिक्सल का आ जाता है। तो इन शॉर्ट आपकी जो डिटेलिंग होती है किसी कैंपेन की, कि मैं ये समझता हूँ बूस्ट वो लोग करते हैं जो उनको सिर्फ जान छुड़ानी होती है कि यार बस कर दो, कि हाँ उनको ये ना लगे कि मैंने एड्स नहीं चलाई या वो क्लाइंट को भी बेवकूफ़ बनाया अगर इतना बूस्ट। फेसबुक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में बूस्ट वाले को बेसिकली बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है यहाँ पे, क्योंकि दिस इज समथिंग जो आप अपने साथ नाइंसाफी करोगे, मैं ये कहूँगा। तो
या आपने कोर्स लिया, आपने सब चीज़ें सीखी, तो मेक श्योर ये प्रॉमिस करेगा अपने आप से कि आप कभी बूस्ट नहीं करोगे टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होना, कुछ भी फ़ायदा नहीं होना। आपको पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं तो फिर ठीक है, आप बढ़ा लें, बूस्ट कर लें, बट आपको एक पूरा ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो एक कैंपिंग में चला रहा हूँ तो क्यों चला रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, फिर यहाँ पे आप एड सेट पे जाते हो तो एड सेट पे इतनी सारी चीज़ें आती हैं, डिफरेंट प्लेसमेंट है, बजट से, फिर फॉर्मेट है, मीडिया है, एडिशनल क्रिएटिव है, ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको नहीं मिल रही होंगी मैं चेंज करना चाहूँ तो फिर कस्टम ऑडियंस का एक ऑप्शन आता है यहाँ पे। अगर आप जब हम कस्टम ऑडियंस वाली आप वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि कस्टम ऑडियंस को किस तरह से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने एक वेबसाइट खोली, लेट्स सपोज ई कॉमर्स सक्सेस की जो हमारी वेबसाइट है, ये हमारी ESP की वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल। अब लेट्स सपोज हुज़ैफा भाई ने एड्स लाने, ठीक है, और हुज़ैफा भाई कहते हैं कि यार मैं क्या एड चलाऊँ, हुज़ैफा भाई ने अपने एड चलाए सक्सेस कैंप पे, ठीक है। अब ये एक सक्सेस कैंप का हमने उनका पेज खोल लिया रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। अब इनकी वेबसाइट में लेट्स सपोज 10,000 लोग आए, लेकिन सक्सेस कैंप में 500 लोग आए, तो जो 10,000 लोग आए वो डिफरेंट जगहों पे गए होंगे, स्टार्टअप गाइड पे गए होंगे, कॉन्टैक्ट एस पे गए होंगे, ब्लॉग पे गए होंगे, होम पे भी रहे होंगे, कुछ लोग होम से भी चले गए होंगे, कुछ लोग ब्लॉग्स पढ़ के चले गए होंगे, कुछ लोग पिक्चर्स देख के चले गए होंगे। सो द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज के अब जो सक्सेस कैंप पे आए हैं तो उनको क्या ऐड दिखाया जाए, ठीक है, या जो प्रो ट्रेनिंग में आए हैं, प्रोजेक्ट मल्टीप्लाई में आए हैं, उनको क्या ऐड दिखाया जाए। अब हुज़ैफा भाई ने बड़ी स्मार्टनेस दिखाई, हुज़ैफा भाई ने कहा यार मैं सबके लिए ऐड अलग अलग बना लेता हूँ। अब उन्होंने एक सक्सेस कैंप का ऐड बनाया कि और उस पर कस्टम ऑडियंस पे लगा दिया कि यार जो लोग इस पेज पे आए थे उनको मेरा सक्सेस कैंप से रिलेटेड ऐड दिखा दो। आप मेरा जेनेरिक ऐड नहीं दिखाओ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, वो भी खरीदो, नो। फिर यहाँ पे आए प्रो ट्रेनिंग में, हुज़ैफा भाई ने बोला कि यार जो लोग इस सवाल पे आए थे ना उनको आप प्रो ट्रेनिंग से रिलेटेड दिखा दो, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा आइडिया बताया हुज़ैफा भाई ने कि यार ये तो फिर जो बंदा प्रो ट्रेनिंग में आया है उसने पढ़ा है, सब चीज़ें की है, तो उसके बाद आप डेफिनेटली प्रो ट्रेनिंग के रिलेटेड उसको ऐड दिखा दोगे। फिर हुज़ैफा भाई ने तीसरा ऐड बनाया कि यार जो इस लिंक में आया और उसने साइन अप नहीं किया मेरे पास, उसको उससे रिलेटेड ऐड दिखाओ, ठीक है। एक तो ये तरह के ऐड हो गए। फिर दूसरा ऑप्शन ले लें, दूसरा ऑप्शन ये ले लें कि बंदा यहाँ पे आया, उसने इनरोल किया कोर्स में फॉर एग्जांपल, ठीक है, इनरोल का बटन दबाया तो एक यहाँ पे देखें URL चेंज हो गया, परचेज एरर आ गया, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी परचेज दिस प्रोडक्ट। अच्छा, मैं इनका बेसिकली ऑलरेडी एक स्टूडेंट हूँ प्रो ट्रेनिंग का, मैंने अब तक स्टार्ट नहीं किया, मैंने रिसेंटली इनके कोर्स लिया तो मैं अभी इस पर भी काम कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें ऑलरेडी परचेज का एरर आ गया, अगर मैंने ये नहीं लिया हुआ होता, लेट्स सपोज मैं इसको एक और विंडो पे खोल के देखते हैं क्या होता है। ये आया, मैंने इनरोल किया, तो यहाँ पे एक बेसिकली और ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें URL चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये वो चीज़ है जहाँ पे बंदा ये डिफाइन करता है कि यार मैं इनरोल होना चाह रहा हूँ बट किसी वजह से इनरोल नहीं हो पाया, तो इससे रिलेवेंट आप चीज़ें इसको इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो। अब जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे ना और आप इनरोल इन कोर्स करेंगे तो आपको एक नया थैंक यू का पेज मिलता है। तो हुज़ैफा भाई ने ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो लोगों ने प्रो ट्रेनिंग खरीद ली है उनको अब मेरे सक्सेस कैंप के एड्स दिखा दो या 101 के एड्स दिखा दो। अब ये आपकी वेबसाइट पे कैसे काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेबसाइट खोल देता हूँ, ठीक है, ये मेरी एक वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल, इस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखें ये एक जैकेट की बेसिकली वेबसाइट है, ठीक है, मल्टीपल जैकेट्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट प्राइसेस पे उनकी, कस्टमर्स पिक्चर्स भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है मैं इसमें ऐड कैसे चलाऊंगा। इसमें मैंने ऐड चलाए, फॉर एग्जाम्पल जो बंदा होम पेज पे आएगा तो उसको मल्टीपल एड्स नजर आए, ठीक है, बट अगर बंदा मेंस में जाके लेदर जैकेट्स पे चला गया है, इस जैकेट पे यहाँ पे आया, तो मैं क्या ऐड चलाऊंगा कि जो बंदा इस पेज पे आया और यहाँ से
आगे परचेज नहीं की उसने अगर, तो उसको मेंस की लेदर जैकेट या वाली सारी जैकेट्स एड्स में दिखाना शुरू कर दो, ठीक है। वुमेंस की नहीं दिखाओ, वुमेंस की क्यों नहीं दिखाओ, क्योंकि उसका इंटरेस्ट मेंस में था। फिर एक बंदा आया यहाँ पे, वो आया मेंस बाइकर जैकेट पे, तो यहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जो कि मेंस की बाइकर कैटेगरी थी। तो मैं इसको सिर्फ सारी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा, फिर मेंस की सिर्फ बाइकर जैकेट्स की एड्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आप कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट वाइज, फिर एक बंदा आया फॉर एग्जाम्पल से प्रोडक्ट चूज किया और प्रोडक्ट को उसने देखा और फिर वो चला गया, तो इसमें ऑप्शन है कि जो वो प्राइस की वजह से चला गया, हो सकता है उसको डिटेल पसंद नहीं आई हो, तो मल्टीपल ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें टेस्ट करूँगा, मैं इसको ये वाले प्रोडक्ट में दोबारा दिखाऊंगा और इससे मिलता जुलता जो नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं मैं इनमें से भी कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊंगा और टेस्ट करूंगा कि इसको क्या मसला है। तो ये बेसिकली कस्टम ऑडियंस का फ़ायदा होता है, फेसबुक पिक्सल का फ़ायदा होता है, जहाँ पे आप खेल सकते हो, बट ये सब चीज़ें आप यहाँ बूस्ट में नहीं कर सकते। तो प्लीज़ डू नॉट डू अनफेयर विथ योर सेल्फ, आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू डू गो फॉर द बिजनेस मैनेजर। आपने ये ट्रेनिंग खरीदी है तो अपने साथ उस पैसों का जस्टिफाई करें डेफिनेटली, और एड्स मैनेजर पे काम करें। अच्छा, इसके अलावा दैट्स ऑल फॉर द बूस्ट वर्सेस फेसबुक बिजनेस मैनेजर। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।